क्या कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का इस्तेमाल जल्दीबाजी में किया है? क्या महासचिव बना करके और उत्तर प्रदेश का आधा भाग दे करके कांग्रेस ने कोई गलती की है? क्योंकि प्रियंका गांधी में लोग जो है इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं, उनका चाल, हाव भाव, चेहरा सब कुछ अपीलिंग है और इंदिरा गांधी से मिलती जुलती है। तो फिर कांग्रेस ने ऐसा कदम अचानक हड़बड़ी में क्यों उठाया? क्या वो अति उत्साह में ऐसा कर गए? इस पर हम बातचीत करेंगे। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी और हमारे साथ हैं रितेश वर्मा जी। क्या लगता है रितेश जी? मुझे तो लगता है कि ये राहुल गांधी का कैसा फैसला है, जो कि परिवार के अंदर की बात है, परिवार के अंदर की बात नहीं होती तो हम कहते किसी ने निपटा दिया किसी को। मैं प्रियंका गांधी को तो पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के विरोधी दोनों ये मानते थे कि जब मोदी, भाजपा, अमित शाह से ये कांग्रेस वाले पार नहीं पा पाएंगे, 2019 के चुनाव में भी अगर हार गए उनसे और फिर तब 2024 की जब तैयारी शुरू होगी, तो उस समय प्रियंका गांधी में वो संभावना लोग देखते थे और वो संभावना कि पूरे देश के चुनाव में कांग्रेस को जिता सकती। उस गांधी परिवार की सदस्य को जिसमें पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता पूरा देश जिताने की संभावना देखते हैं, ताकत देखते हैं, उसको उत्तर प्रदेश का आधा प्रभारी, आधा उत्तर प्रदेश देने का क्या मतलब है? अगर गांधी परिवार की वो सदस्य नहीं होते, कांग्रेस अध्यक्ष के भाई बहन नहीं होती और ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये मतलब एक तरह से एक लिटमस टेस्ट होता है ना, कि ये टेस्ट करके देखा जा रहा है, चलिए 40 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। गांधी परिवार में किसी का लिटमस टेस्ट की कोई ज़रूरत है कांग्रेस वालों को? वहाँ तो खराउं रख के काम चलता है। गांधी परिवार का सदस्य है इतना काफ़ी, और प्रियंका गांधी में तो लिटमस टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो राहुल गांधी को खुद भी पता है कि प्रियंका गांधी का जो मास अपील है वो राहुल से ज़्यादा है, राहुल से ज़्यादा वो तीखा बोलती हैं, राहुल से ज़्यादा वो आर्टिकुलेट हैं, बोलने में फिसलती नहीं है। राहुल गांधी तो अपने भाषण में 5 बार फिसलते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार विपक्ष के लोग फंस भी जाते हैं। अब रफेल पे वो 5 बार 5 प्राइस खुद बता चुके हैं, जिसको अरुण जेटली ने कोट किया कि भाई आपको तो खुद ही नहीं पता ना कौन सा, आप पहले तय कर लो कि कौन सा प्राइस आपको बोलना है। तो अच्छा ये बताइए कि राजनीति में वैसे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ये नहीं हो सकता? कहीं राहुल को अपने कद को भी लेकर डर लग रहा है क्या कि यदि हम इनको बड़े स्केल पे उतारते हैं तो फिर हमारा कद छोटा होगा? कुछ ऐसी भी बातें हो सकती है, क्योंकि अंदर खाने राहुल का ये तो सिर्फ डिसीजन नहीं हो सकता, अपनी माँ सोनिया गांधी से भी उन्होंने सलाह मशविरा किया होगा, कांग्रेस के रणनीतिकारों से भी किया होगा जो उनके नज़दीक हैं। सोनिया जी और प्रियंका जी और राहुल जी आपस में क्या बात करते हैं और कैसे तय करते हैं ये तो वो तीनों को बेहतर पता होगा, वो तीनों एक ही परिवार के हिस्से हैं, माँ बेटे भाई हैं। लेकिन बाहर जो चीज़ समझ में आने की है वो ये है कि जिस आदमी को आप एटम बम मान के चल रहे थे कि ये गिरेगा तो तहस नहस कर देगा सारे विरोधियों को, ये किसी का कुछ नहीं चलेगा उस समय, और उसको आपने एक आधा शादी ब्याह के बारात में जला दिया है। मैं लोकसभा चुनाव एक पार्टी के लिए, वो भी एक स्टेट की आधी सीटें, मैं उत्तर प्रदेश में भी इनको पूरा प्रभार नहीं मिला है, गुलाम नबी आज़ाद वहाँ प्रभारी थे, उनको हटा के हरियाणा भेज दिया, 80 सीट की स्टेट से उठा के गुलाम नबी आज़ाद 10 सीट वाले हरियाणा की तरफ चले गए और वहाँ उनको आधा सीट, आधा उत्तर प्रदेश मिला प्रियंका को, आधा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ऐसी भी कोई हड़बड़ी क्या थी? प्रियंका गांधी बिना महासचिव बने भी पूरा देश घूम सकती है। मैं प्रियंका गांधी को हेलीकॉप्टर पर बैठने के लिए कांग्रेस में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में किसी भी स्टेट में किसी भी सीट पे जाके चुनाव प्रचार करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और हर का कैंडिडेट, चाहे वो बिहार का कैंडिडेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, प्रियंका अगर कार्यक्रम देंगी अपना चुनाव के दौरान तो वो सहर्ष लेगा, कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल आइए। तो इसके लिए उनको पार्टी में इस समय पद पर ला के, मतलब जिसके आने की कोई धमक होनी चाहिए, तो मैं टीजर आता, टीजर के बाद ट्रेलर आता, ट्रेलर के बाद अखबारों में पहले छपता। वो राहुल के लिए तो क्रिएट किया गया कि आ रहे हैं महासचिव, फिर जो है उपाध्यक्ष और फिर जो है अध्यक्ष, लेकिन प्रियंका गांधी को लग रहा है कि थोड़ा हड़बड़ी इन लोगों ने किया, फटा पोस्टर वाला मामला हो गया। इसमें ना टीजर आया, ना पोस्टर आया, ना ट्रेलर आया, और आया भी तो क्या आया पता नहीं। मतलब प्रियंका गांधी भी सोच रही हूँ उनको क्या मिला है,
मतलब एक एक बात ये पहले कही जा रही थी कि प्रियंका गांधी को क्या उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष या प्रभारी महासचिव, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश भी दिए होते तो मान लेते कि लिटमस टेस्ट करके देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूरा इनका परिवार यहीं से आता है, यहीं से जीतता रहा है, लेकिन वो प्रदेश आधा दिया है। अच्छा, इसके पीछे क्या ये भी रणनीति हो सकती है कि जो जो प्रदेश उत्तर प्रदेश से लग रहे हैं, जैसे कि बिहार हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ बॉर्डर इलाके जो है टच करते हैं, कि वहाँ पर भी ये प्रभाव डालेंगे, जैसे मोदी के बारे में कहा गया कि बनारस से जाएंगे तो आसपास के प्रदेशों में प्रभाव डालेंगे। राष्ट्रीय नेताओं के लड़ने से प्रभाव तो पड़ता है, प्रियंका क्या खुद भी लड़ने वाली हैं? ये भी बता रहे कि क्या रायबरेली से उनको उतारा जाएगा, सोनिया गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? प्रियंका खुद भी लड़ना चाहती हैं, अगर अब इतना तक हो चुका है तो अब ये भी हो ही सकता है। अगर प्रियंका गांधी को राहुल गांधी पार्टी में महासचिव बना सकते हैं, जिसकी अभी इस समय कोई जरूरत नहीं थी, तो उनको चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। और 2024 में प्रियंका की आने की, प्रियंका के एंट्री की, प्रियंका के ब्रेकिंग की जो खबरें चलती 2021-22 से स्टार्ट होता है ये माहौल बनना कि प्रियंका दीदी आ रही हैं, प्रियंका दीदी आ रही हैं और अब वो पार्टी चलाएंगी, राहुल भैया प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे, या प्रियंका दीदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे, राहुल भैया पार्टी चलाएंगे, इस तरह का कोई कम्बिनेशन भाई बहन के बीच बनता कि एक पार्टी एक सरकार का चेहरा होकर जनता के बीच जाएँ, वो सब तो खत्म हो गया। प्रियंका के एक हवा जो बन सकता था वो हवा तो इन्होंने खुद से ही लगता है कि फोड़ लिया है। उत्तर प्रदेश में इसका जो असर पॉजिटिव कांग्रेस के लिए हो जाए, और यही हो सकता है राहुल गांधी की भी और पूरी कांग्रेस की रणनीति भी रही होगी कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में अब इस समय खोने के लिए और कुछ नहीं बचा, दो सीट से नीचे हम क्या जा सकते हैं। तो ठीक है, 2024 का इंतजार क्या करना, 2019 में ही, और इस समय एंटी इनकम्बेंसी है, जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत से कांग्रेस को ये लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है मोदी के खिलाफ और हम वहाँ जीत सकते हैं, तो उन्होंने इसी में लगा दिया, क्योंकि यूपी में भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, क्योंकि सेंटर में भी ये हैं, यूपी में भी 2 साल से योगी जी की सरकार है, तो स्टेट सेंटर दोनों, आप मोदी जी जाके वहाँ भाषण में ये तो नहीं कह सकते कि भाई केंद्र और स्टेट में 1+1=11 होता है, ये जो अभी तक वो कहते रहे थे हर स्टेट में जाके कि केंद्र और राज्य में जब सरकार भाजपा की होगी तो 1+1=11 होगा, 1+1=2 नहीं होगा, वो अब वो न उत्तर प्रदेश में कह सकते। तो ऐसे में लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष को लगा होगा, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कि प्रियंका को ये सही समय है इस एंटी इनकम्बेंसी को काटने का, इसमें जो फसल है इसको काट के मायावती अखिलेश ना लेके चले जाएं, हम भी काटने की कोशिश करते हैं जितना ही काट पाएं। चलिए देखते हैं, ये तो राजनीति है, अब प्रियंका गांधी का इन्होंने ट्रंप कार्ड तो चल दिया, अब इस कितना प्रभाव डालती हैं और जिस तरह से लॉन्चिंग होनी चाहिए वैसे, जनरल फीलिंग ये है कि उस तरह से प्रियंका गांधी को नहीं उतारा गया, अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।